नमस्कार दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को एक ऐसा सूचना देने वाला हूँ, क्योंकि देखिए मैं वीडियो आज से नहीं बहुत ज़्यादा दिन से धुलेरा स्मार्ट सिटी का डालता रहता हूँ, लेकिन कमेंट में जो है ऐसे ऐसे लोग भाई कमेंट करते हैं कि धुलेरा स्मार्ट सिटी में जो है ना कुछ है नहीं, रोड के सिवा कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों को धुलेरा स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीज़ बना है उसका थोड़ा थोड़ा सीन में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, वो भी ग्राउंड का जो वहाँ पे बन के तैयार है वही चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो पहला जो है धुलेरा स्मार्ट सिटी में रोड, तो आप लोग जानते हैं रोड बनाई ही है, और वहाँ पे जो है 13 किलोमीटर में जो कृत्रिम नदी बन के तैयार है वो भी एक नदी नहीं बनेगी, वहाँ पे कम से कम 2-3 नदियाँ बनने वाली हैं। एक तो तैयार है और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वहाँ पे जो है बहुत सारी कंपनियाँ भी अपना वहाँ पे काम कर रहा है लोग, और वहाँ पे जो है ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी वहाँ पे है। कंपनी का नाम नहीं हम आपको बताएंगे क्योंकि आपको खुद वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, नाम बता देंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे ही फेंक रहे हैं। लेकिन आप एक बार यदि धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में यदि जानना है तो कमेंट में मत जाइए, कमेंट मत कीजिए कि ऐसा है तो ऐसा है, एक बार रूबरू आप जाइए वहाँ पे और वहाँ पे जो जो काम हो रहा है उसको देखिए कि हकीकत में वहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आप जाएंगे वहाँ पे धुलेरा स्मार्ट सिटी में तो बहुत सारी जो है वहाँ पे काम हो रहा है जो आपको दिखेगा वहाँ पे जो है, और इस टाइम में जो है बहुत सारा काम वहाँ पे हो चुका है। और 2-4 कंपनियाँ ऐसी है कि जो कंपनी अपना कम से कम 70-75% काम कर चुके हैं लोग, और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कंपनी की तो बात छोड़िए, 13-14 किलोमीटर में जो है सौर ऊर्जा का प्लांट बन के तैयार है, वहाँ से सप्लाई भी देना लोग चालू कर दिया, संभवतः चालू कर दिया है लोग सप्लाई भी देना। और धुलेरा स्मार्ट सिटी में जो है बिजली जो है सौर ऊर्जा से ही आपको मिलने वाली है। और जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फिर जाएंगे धुलेरा या सैयार, धुलेरा या सैयार जाइए और वहाँ पे जाएंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। और धुलेरा या सैयार में एक बात और मैं बता दे रहा हूँ आपको, यदि वहाँ पे जो है लिखा है बोर्ड लिखा हुआ है, यदि नंबर आपको मालूम नहीं है तो कंपनी मालूम नहीं होगा, और कंपनी यदि कोई भी कंपनी में जाना है तो नंबर आपको रहना जरूरी है, क्योंकि विभाग बटा हुआ है कि इस विभाग में ये कंपनी है, इस विभाग में ये कंपनी है, तो वो सब नॉलेज आपको होना चाहिए। और दूसरा बात मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी बहुत जोरों में काम हो रहा है वहाँ पे, और बहुत बहुत हद तक बन के तैयार है, और जो अपना पहला चरण जो है बहुत हद तक बन के तैयार है। और आपको यदि नहीं मालूम है तो आप एक बार धुलेरा स्मार्ट सिटी जाइए और जाके खुद आप देखिए कि वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि काम हो रहा है तो हम एक ही चीज़ आपको बोलेंगे कि आप धुलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करिए, चाहे कोई भी कंपनी में लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान आप रखिए कि जो कंपनी में आप फ्लोट लीजिए इंडस्ट्रियल चाहे रेसिडेंसी, उसका पहले बायोडाटा आप चेक कीजिए कि वहाँ पे दस्तावेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दस्तावेज हुआ है कि नहीं हुआ है, एनए पास है कि नहीं है, टाइटल क्लियर है कि नहीं है, ये सब सावधानी आपको देखना पड़ेगा। तो आपको मैं जो है सारी जो है थोड़ा थोड़ा वीडियो करके उसमें ग्राउंड का जो है मैं दिखा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।